नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा, आज ध्रुव पटेल चौक से। ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले के युवा वर्ग आए हैं, ये बेरोजगार हैं और छत्तीसगढ़ सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह उनके मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इनका निकाला गया था नौकरी का, और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने रवाना किया, भूपेश बघेल की सरकार आई। लेकिन सरकार 5 साल काम करने के बाद, वो भी 9-2-11, मध्य युवा बेरोजगार, 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट दिया, लेकिन आज भी ये ठगे महसूस कर रहे हैं। जो नेता था वो मंत्री बन गया, जो उम्मीदवार था वो विधायक बन गया, लेकिन इन युवा बेरोजगार को आज भी पुलिस विभाग में नौकरी नहीं मिली, क्योंकि 700 से विभिन्न पद के ये इंटरव्यू दे चुके हैं, फिजिकल फिटनेस दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ बल्कि प्रशिक्षा सूची में अलग अलग जिले में इनका वेटिंग में नाम है और इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिला है। इनका दुर्भाग्य क्या है, या छत्तीसगढ़ में PHQ विभाग में जो वरिष्ठ IPS अधिकारी बैठे हैं वे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हम आज की जन चौपाल छत्तीसगढ़ तक के इन युवा बेरोजगार पुलिस वाले परिवार के सदस्यों से स्टार्ट करते हैं। जी बताएंगे। जी देखिए, ये जो भी हमारे भाई बहन दोस्त यार आए हुए हैं, ये पुलिस विभाग की वेटिंग के हैं सारे लोग, और इनको भर्ती 6 साल पहले हो जाना था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं जो सत्ता सरकार में बैठे हैं उनकी नाकामी है, और जो पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी बैठे हैं ये उनकी नाकामी है। उनके काम चोरी के कारण आज ये लोग यहाँ पे भर्ती नहीं हो पाए और अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रहे हैं। या तो प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करना था, ये कभी मांग नहीं करते। जब प्रतीक्षा सूची में नाम आ गया, पद रिक्त हो गया, इनको पता चल गया कि हमारा नाम प्रतीक्षा सूची में है और उसके बाद ये मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत है सर? इन सभी दरवाजों में जाकर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सभी निवास तक ये पहले भी जा चुके हैं, न्यायालय तक जा चुके हैं, लेकिन इनको कहीं पर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं, क्योंकि संयोजक हूँ संयुक्त पुलिस परिवार का, और ये लोग भर्ती दिलाए हैं, पुलिस में भर्ती होने के लिए आए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनके लिए स्टैंड लूँ। आज इसलिए मैं इनके साथ में आके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि पुलिस विभाग में इतनी पीड़ाएं हैं, पद इतने रिक्त पड़े हुए हैं। देखते हैं आप कि साप्ताहिक अवकाश का जो घोषणा किया जाता है, कांग्रेस सरकार में भी किया जाता था, भाजपा सरकार में भी किया जा रहा है, लेकिन साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता, कि बोला जाता है बल की कमी है। तो बल आपके पास भर्ती होने के लिए खड़ा हुआ है, वेटिंग में है, आप उसको तो ले नहीं पा रहे हैं, और कमी का आप इधर कहानी सुनाते हैं। तो पद रिक्त होने के बाद भी भर्ती नहीं लिया जा रहा है, ये अन्याय ही इन युवाओं के साथ। जो पुलिस विभाग में भर्ती हो गए हैं, जिन कर्मचारियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये अन्याय है। और जो गलत गलत SOP बनाया जाता है पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा, जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, इतना गलत SOP बनाया जाता है कि शब्द कम पड़ जाए मैं उनको बोलूँ तो, लेकिन इतने बेशर्म हैं पढ़े लिखे अनपढ़ वो वहाँ बैठे हुए जो हैं, वो उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो नियम वो बना रहे हैं वो नियम किस काम के हैं। आज इतने युवा आए हुए हैं, कुछ युवा वहाँ रायपुर में इंतजार कर रहे हैं, लगभग 700 लोग हैं और 1000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती के वैकेंसी वाले हैं, 1700 तो यही हो गए सर, और 6000 पदों की जो रिक्तियां हैं, जो अभी तक के वैकेंसी निकाली गई है उस पर भी प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। तो कितने युवा आज भटक रहे हैं आप ये सोचिए। तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बच्चे आज 6 साल की इनकी नौकरी हो जानी थी, 18-6-24, 6 साल के सब इंस्पेक्टर जो अब TI बनने की स्थिति में आ गए होते, 18 की भर्ती है वो भी, आज तक भर्ती नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इनका सर्विस घटेगा, तो कौन जिम्मेदार होगा सर? पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नेता मंत्रियों को गुमराह करते हैं। नेता मंत्री तो 1 साल 2 साल 4 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर सरकार बदलती है और वही स्थिति बनी रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार में जो मंत्री आते हैं उनको गुमराह करने का काम वरिष्ठ IPS अधिकारी को रहता है, और ये युवा बेरोजगार फिर अपना नौकरी के आस में बैठे। मैं फिर भाई से बात करता हूँ। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम मनीष तिवारी है, मैं बलरामपुर जिले का हूँ, मैं कवर्धा से वेटिंग आया हूँ पुलिस प्रतीक्षा सूची में, और हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमने कोर्ट पहले किया और कोर्ट जीते हैं, फिर भी हमारा आदेश का पालन नहीं हो रहा है सर, और हम अभ्यर्थी सभी के सभी बहुत दुखी हैं सर। अपनी विविधा सुनाए तो बहुत कहानी बन जाएगा, क्योंकि साल दर साल लगातार चलते आ रहा है, आज 7 साल हो गए हमारे पुलिस वेटिंग नहीं क्लियर हुआ है। इसी भाजपा के सरकार में हम लोग ने भर्ती दिया था, 2-2 बार फिजिकल किए, फिर भी हमारा वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है, और आज हम इस कगार पर आ गए हैं कि सुसाइड के नौबत पर आ गए हैं। लेकिन क्या है,
भगवान ने हमें इतना तो दिया है कि हम सुसाइड ना करें, क्योंकि हमारे हाथ पैर हैं और हम सिर्फ अपना हक मांगने के लिए उस हाथ पैर को लगा के यहाँ तक आए हैं सर। जंगल झाड़ी में रहते हैं सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कि हम लोग भी सोचे थे कि कवर्धा में ड्यूटी करेंगे, अच्छा जिला मिल जाएगा, वहाँ से कम यहाँ घर वर मकान खरीदेंगे, लेकिन आज माँ बाप की आस आज भी टिकी है मेरे पुलिस मीटिंग पे, और हम इस खाकी के लिए अपना जान देने के लिए कुर्बान है सर। हमें जहाँ भी पोस्टिंग दे दिया जाए, लेकिन हम कवर्धा जिले में ड्यूटी करने के लिए इतना जुझारू बन गए हैं कि हम वेटिंग के लिए बार बार यहाँ आ रहे हैं सर। 1 फरवरी में हमने केस जीता है, हमारा केस में आर्डर दे दिया गया है कि ये वेटिंग क्लियर करना ही है, और 700 लोग भाई इतने विवश हो गए हैं कि यहाँ तक हम लोग पैदल यात्रा के लिए आए हैं सर। दुर्ग से हम लोग रायपुर पैदल यात्रा के लिए जाएंगे सर के सहयोग से, लेकिन हमारा वेटिंग क्लियर अभी तक नहीं हो रहा है। जजमेंट भी कॉपी, न्याय का अवहेलना हो रहा है, न्यायालय का सर, आप ये सोचिए न्यायालय का अवहेलना हो रहा है। हम इसी कारण ये दाढ़ी बढ़ा रहे हैं कि हमारा वर्दी लग जाएगा तब तक ये दाढ़ी नहीं कटाएंगे, क्योंकि हम भी एक हिंदू हैं सर और हमारे दाढ़ी में बहुत ताकत है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमारा वर्दी लगेगा ही। हमारी भाई बहन जहां से दूर दूर से आए हैं सर, इस अपने हक के लिए आए हैं सर, अपने हक के लिए आए हैं सर, और हमारा हक मिलना चाहिए। विजय शर्मा जी सर के पास भी गए, उप मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय आदरणीय, मैं मनीष तिवारी हूँ, और मेरे सर बोलेंगे कि हमारे जात का है उप मुख्यमंत्री बन रहा है, हमारा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही खुशी था सर कि हम वर्दी पहनेंगे, लेकिन आज तक वहाँ में हाँ मिलाते गए। लोकसभा चुनाव तक बोले तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प लगाए सर, 4 वीक का वकील लोग यानी मोहलत मांगे सरकारी वकील, फिर 4 वीक मिला, 2 वीक का फिर से मांगे, फिर 4 वीक मांगे, आज 23 तारीख को सुनवाई है सर। हमें 23 तारीख तक हमारा ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए सर, बस यही मांग है सर से, मुख्यमंत्री जी से, और विष्णुदेव साय जी से, और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से। हमें सिर्फ वर्दी चाहिए सर, और हम भाई पूरे वेटिंग वाले इस वर्दी के दरार में सिर्फ सपना देख रहे हैं सर, हमारी वर्दी अभी भी अधूरा है सर, सिर्फ वर्दी चाहिए सर। ये युवा बेरोजगार चाह रहा है कि मुझे जल्द से जल्द पुलिस विभाग में नौकरी मिले, जब तक पुलिस की वर्दी इस शरीर में नहीं पहनूंगा तो मेरी दाढ़ी बढ़ती रहेगी। इस भाई का सपना कब पूरा होता है, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार कब पूरा करती है, ये तो समय बताएगा। मैं दूसरी बहनों के पास आता हूँ, आप बताएंगे। सर मेरा नाम संतोषी है, मैं कवर्धा से हूँ। 2017-18 से मैंने पुलिस भर्ती में अपनी फॉर्म भरी थी, और ये सोच के भरी थी सर कि मुझे भी वर्दी मिलेगा, एक सपना था मेरा। मेरी बहन है पुलिस में, मैं उनको देख के प्रेरणा मिला कि मुझे पुलिस बल में जाना है, अपना ड्यूटी निभाना है। एक होता है पुलिस बल में जाने के बाद अपना जो आत्मरक्षा और दूसरों की सेवा कर सकती हूँ, ये चाहती थी मैं। अब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, पुलिस की वर्दी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा भी वेटिंग क्लियर होता, मैं भी वेटिंग में अभी पुलिस में रहती, वर्दी मिलता, मैं भी देश की सेवा करती, ये सब मेरे माइंड पे आता है सर। जैसे ही वर्दी देखती हूँ वैसे ही, आज के प्राइवेट नौकरी में 6,000-5,000 हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है सर। हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जैसे ही प्राइवेट नौकरी 8 से 3 बजे तक करते हैं, सिर्फ दिमाग में एक ही रहता है सर, वेटिंग क्लियर हो जाए भगवान, वेटिंग क्लियर हो जाए। कौन से हम किसके जगह पे नहीं गए हैं सर, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबके पास गुहार लगा चुके हैं, अब उच्च न्यायालय के पास गए हैं तो वहाँ पे भी डेट पे डेट। तो हमारा जिंदगी है सर जिसके लिए हम लोग भटक रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए, परिवार की कुछ तो सहायता कर सके। मेरी 8 बहन है सर और 3 भाई है मेरे। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के, अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सकूँ, और मेरे परिवार में सिर्फ केवल एक ही है जॉब में, जिसकी भी शादी हो गई मेरी बहन की, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी लगे, मैं अपनी बहन की, मेरे इतने सारे बहन है सर, कुछ तो सहायता करती, बस यही चाहती हूँ सर कि वेटिंग क्लियर हो। ज़्यादा मेरा कुछ प्रेरणा नहीं है कि मैं सरकार से कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ एक ही चीज़ मांगती हूँ, वेटिंग क्लियर। सर मेरे हमारे जैसे, हमारे भाई बहन जैसे संघर्ष कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हम जैसे वेटिंग में आए, दूसरी बार की भर्ती के लिए तैयारी की है उसी जोश के साथ कि नहीं वेटिंग तो है लेकिन अब इसमें भी तैयारी करेंगे, हम आगे जाएंगे, हमारा ठीक है सर। आप बताएंगे। मेरा नाम जितेंद्र दास है, मैं CF वेटिंग से हूँ, दुर्ग जिला से। हम लोग पिछले 6 साल से वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो हमारा जो ये हुआ है वो हम राजनीति के शिकार हुए हैं। हमारा जो भर्ती है वो भाजपा शासन काल में हुआ, जैसी मेरिट लिस्ट चालू हुआ, भर्ती चालू हुआ, आचार संहिता लगा, दो आचार संहिता हुआ, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने ये बोल दिया कि चलिए देखते हैं, अभी भाजपा की सरकार में भर्ती हुआ है, इसमें जो होगा हम उसमें विचार करेंगे। पूरा 5 साल कांग्रेस ने निकाल दिया। उसके बाद जैसी भाजपा की सरकार फिर से आई, उसमें हमने उम्मीद जगाया कि चलिए भाजपा की सरकार है उसमें होगा। और हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई वेटिंग पोस्ट खाली है, एक भी पोस्ट
नहीं हुआ है और ना ही नया वैकेंसी आउट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेटिंग ले ले, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध नहीं है भाई। आपने पूरा साल से डेढ़ साल आपने पूरा ज्वाइनिंग में लगा दिया और आप हमारे लिए ये बोल रहे हैं कि आप साल भर से ऊपर हो गए हमारे लिए, तो आप खुद ही अपना जो अधिकारी है पीएचक्यू लेवल से आप पता करवा लीजिए कि भाई हमसे गलती हुआ है कि आपसे गलती हुआ जो आपके कांग्रेस सरकार से, आप पीएचक्यू से जानकारी लीजिए ना भाई। आप उसके चक्कर में हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उसका पेट में लात क्यों मार रहे हैं? आप सीधा सीधा पीएचक्यू से जानकारी लीजिए और जो उचित है वो आप निर्णय लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें लीजिए 417 तो 417 को, जो उचित है वो कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन वेटिंग को लीजिए तो सही। एक भी पोस्ट वेटिंग का नहीं उठाए हो आप, और डेढ़ साल से हम आपने भर्ती प्रक्रिया किया उसके इंतजार में पूरा 6 साल गुजर गया और आप फिर ये सांत्वना दे रहे हो कि चलिए जो नियम के विरुद्ध नियम के तहत होगा हम उसमें आप लोग का सोचेंगे। अब सोचने वाले बात वो खत्म हो गया, आप निर्णय बताइए कि भाई हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो किस बेस पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नया वैकेंसी तो आउट नहीं हुआ है तो उसी के बेस पे ले लीजिए। हम लोग सभी भाई यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जितने भी प्रतीक्षा सूची में भाई लोग का नाम है वो चीज क्लियर है। जब भी भर्ती निकाला जाता है तो भर्ती के साथ में 13-2 के नियम में लिखा रहता है कि 1 साल की अवधि में अगर पद प्रमोशन, पदोन्नति या मृत्यु, बर्खास्तगी, जितने भी अन्य कारणों से पद रिक्त होगा उसमें से 1 साल की अवधि में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को लिया जाएगा। तो हम लोग सभी भाई के पास RTI में जानकारी है कि कितने छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कितने पद कितने कौन कौन से जिले में रिक्त है। तो हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और PHQ से सभी से सादर निवेदन है कि उच्च न्यायालय आदेश और जितने भी प्रतीक्षा सूची में नाम है उस 13-2 के नियम में भर्ती नियम के तहत जो प्रतीक्षा सूची में नाम है और जितने जितने पद खाली है वो पद भरा जाए, यही मांग है हम लोग का। ये युवा बेरोजगार 2017 में भर्ती के लिए जीवन अपना पुलिस विभाग में देने के लिए आए थे, लेकिन आज उस वक्त भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार है। 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और भूपेश बघेल जो कांग्रेस की सरकार है उसको हटाने में सफल हुए, लेकिन ये बेरोजगार आज भी नौकरी के आस में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये दुर्ग पटेल चौक से रायपुर राजधानी विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है और गृह उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है विजय शर्मा के पास जाके मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इन्हें पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है और ये अपनी व्यर्थता बता रही। आप हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, सरकार से हमारे यही मांग है कि हमें नौकरी कब देगा और ये शरीर में पुलिस विभाग का वर्दी कब होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस कब इस वर्दी में आएगा, तो समय बताएगा कि इनकी मांग को कब पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक दुर्ग।